करना चाहते हैं पीछे क्लच गॉड मॉर्टल और रेगल्टॉस भी अपने रोटेट करेंगे फनाटिक भी साथ साथ रोटेट करिए एंड दिस कैन बी रिस्की बिकॉज एक छोटे से रीजन के अंदर बहुत सारी टीम अपने आप को होल्ड करके बैठे प्ले जोन से ड्रैगन यहाँ पे नॉकआउट हो चुके हैं एंड INS के लिए ये बुरी खबर है दलजीत ने हमें वाइपर को नॉकआउट कर दिया थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि इम्पेशेंट मूव था ही कुड हैव जस्ट होल्ड डाउन अब वहाँ पे मेरे ख्याल से मॉर्टल है मॉर्टल पे काफी प्रेशर होने वाला है कि वो अपने वाइपर को कैसे रिवाइव करेंगे ओवेज यहाँ पे नॉकआउट हो चुके ओवेज इज वन ऑफ द की प्लेयर फनाटिक के अंदर और परितोष भी गए दो फनाटिक पे आर आउट अभी नॉकआउट हो चुके उनको गेम के अंदर वापस आना पड़ेगा और स्काउट किस तरफ बढ़ रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा मे बी ही जस्ट ही इज कन्फर्म की दिक्कत प्रॉब्लम हो सकती है ओके उन्होंने स्पॉट कर लिया रहेगा को यहाँ पे ओके रेगा पे शॉट ले रहे बट रेगा ने प्रोन करा उनको डैमेज बिल्कुल नहीं पड़ा ओबियस को यहाँ पर रिवाइव कर दिया गया मे बी रौनक ने कॉल दी होगी कि मैं रिवाइव करता हूँ तू नॉर्मल रोटेट कर और हमारे इन्फो कलेक्ट करके ला और यहाँ पे नेट मारा वो फनाटिक स्काउट की एचपी देखिए कितनी ज्यादा हो गया रेगा प्लेइंग वेरी स्मार्ट नेट मारा उनको रोटेट करने पे मजबूर किया उसके बाद क्या फाइनली रेगल टॉस ओ माय गॉड दैट वाज अनफॉर्चुनेट यहाँ पे नॉकआउट हो चुके हैं और उनकी टीम बहुत ज्यादा दूर है भले यहाँ पे मेरे ख्याल से क्लच गॉड है क्लच गॉड प्रोन करके बैठे अगर कवर फायर पे अगर आ गए देन स्काउट की कोई खैर नहीं मीन बाय रेगल टॉस यहाँ पे परितोष को कंप्लीट कर दिया फनाटिक के रौनक नॉकआउट हो चुके हैं फनाटिक के लिए बहुत बुरी खबर है बिकॉज स्काउट अकेले प्लेयर है जो खड़े उन पर काफी प्रेशर है बिकॉज वहाँ पे क्लच गॉड उनको ऑलरेडी देख रखे हैं और ये गेम बिल्कुल भी फनाटिक के फेवर में नहीं जा रही और देखिए पहला गेम साउथ एशिया फाइनल्स का एंड यस द माइटी टाइटंस आर In a weak situation. बिल्कुल सही कहा आपने क्रेड पे यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या स्काउट ने अपने आपको जिस तरह से खुद से रीपोजिशन किया है रियलाइज कि टीम वहाँ पे फंस चुकी है ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू टेक दैट क्विक डिसीजन बिकॉज ये वो कैपेसिटी रखती है कि वो कहीं से भी अपने टीम को कवर पर दे सके स्काउट यहाँ जाते हुए फनेटिक ऑन द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन फनेटिक यहाँ पे आउट हो सकती है पर नहीं पहले 12वां नंबर पे मेगा स्टार्स बाहर जाते हुए स्काउट यहाँ पे ओपन दहाड़ रहा है ओपन में जा रहा है एंड ही नीड्स टू एंश्योर कि वो प्रॉपरली हील हो जाए वहाँ से क्लच गॉड आते हुए स्काउट के पास एक हल्का सा टीपीपी एडवांटेज है स्काउट अगर फर्स्ट एड लगा लेता है तो फिर क्लच गॉड वर्सेस स्काउट का बहुत इंटरेस्टिंग फाइट हो सकते हैं यहां पे स्काउट रश इन करते हुए सोल क्लच गॉड के ऊपर रेगल्टॉस वहां पे लेने की कोशिश करेगा क्लच गॉड वर्सेस फनेटिक स्काउट इज एट 10 एचपी एंड यहां पे फनेटिक 11वें नंबर पे आउट होते हुए क्लच गॉड कमिंग अप विद दैट किल एंड क्लच गॉड इंस्टेंटली गेट्स नॉक्ड आउट यहां पे सोल भी बहुत दिक्कत में है INS काफी दिक्कत में है पर RIP एंटिटी गेमिंग IND दे लुक सो स्ट्रांग विद ऑल द फोर पीपल अलाइव 3 और 2 पॉइंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं IND प्लेइंग इट काम एंड कंपोज 0 पॉइंट्स बट देन दे हैव दैट 4 मैन एडवांटेज दे हैव द जोन एडवांटेज अगर आप मैप की ओर ध्यान देख रहे हैं भाई दे हैव जस्ट Move down inside the zone already. They are the only team inside the zone. Soul भी यहाँ पे मुझे काफी दिक्कत में दिख रहे हैं because आप देख सकते हो Soul के दो बंदे अलाइव है एक बंदे नॉक्ट है पर 4 points उन्होंने अपने खाते में लिख चुका था Fnatic good enough 5 points लेके निकले हैं और यहाँ पे Mortal नॉकआउट हो चुकी है यहाँ पे गाड़ी फटी की वजह से और यहाँ पे वाइपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको बचाना बट यस जिस तरीके से क्लच गॉड ने यहाँ पर अपनी किल बचाई इट वॉज सो गुड टू सी बिकॉज यहाँ पर स्काउट बस किल कंफर्म करने आ रहे थे बस वो चाहते थे कि रेगा को नॉकआउट करके गेम से बाहर कर दे वो नॉकआउट ऑलरेडी थे बट यहाँ पे TTP के दो प्लेयर नॉकआउट हो चुके गेम से बाहर हो चुके शगार जो अभी तक टॉप रैगर है प्लेन्स के उन पे काफी प्रेशर होगा कि अपनी टीम के लिए वो क्या कर पाएंगे ओके आइकॉनिक ने यहाँ पे नारुतो को नॉकआउट कर दिया और डार्क ने नारुतो को गेम बिल्कुल एंड कर दिया अभी सोल अभी भी कॉम्पिटिशन के अंदर है वाइपर क्लच गॉड दोनों बचे हैं एंड यस आई बिलीव दे कैन पुल इट ऑफ Yes, they can definitely pull it off because दो experienced players यहाँ पे TDP के शागर Zed के God और Blazy पे shot लेने की कोशिश कर रहे हैं Zed के एक ही player उनका बचा है जो कि Zed God and I think वो zone से यहाँ पे मारा जा सकता है पर यहाँ पे cover fire में TDP के शागर knock हो रहे हैं I think Zed God का बहुत ही प्यारा fire आया था पर वहाँ से 0 degree भी eliminate होते हुए Entity का अमन spotted है पर Entity के पास अभी 3 man advantage है बहुत ही बड़ी advantage है last circle में so they still have that time कि उन लोग बच सके यहाँ पे interesting बात क्या है कि Clutch God यहाँ पे knock हो चुका है RIP Tempest ने क्लच गॉड को पिक ऑफ कर लिया वाइपर अकेला लास्ट मैन स्टैंडिंग है एंड आई थिंक सोल भी यहां पे काफी दिक्कत है बट लुक एट INDI अब उन लोग अपने किल्स लेने की शुरुआत करेंगे 4 man एडवांटेज सब पूरी स्क्वाड उनकी खेल रही है दे हैव अ गुड एरिया इन द जोन एंड आई थिंक दिस गेम INDI बहुत ही प्यारा खेलेगी एंड यहाँ पे सोल वाइपर है फिर से नॉक हुए पर शायद क्लच गॉड रिवाइव हो गया था एंड आई थिंक वहाँ पे क्लच गॉड ने RIP टेम्पेस को नॉक ऑफ किया एंड वहाँ पे NTT के घातक ने TDP के शागर को पर या INDI को देखिए क्या मूवमेंट क्या कवर क्या परफेक्ट गेम खेल रहे हैं एंड वहाँ पे क्लच गॉड ने RIP के दो प्लेयर्स को ले लिया एक साथ एंड आई गेस क्लच गॉड अपनी टीम के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टैंड अप करी है 6 points ऑलरेडी उन लोग किल्स के बेसिस पे अपने खाते पे लिख चुके हैं बात करते हैं ब्रॉलर्स एलिमेंट्रिक्स और INDI की तो तीनों ही टीम काफी स्ट्रांग लिख रहे हैं INDI points kills में थोड़ा weak दिख रही है मुझे पर then they have the man advantage तो last में अगर 20 point भी लेके निकले क्या खराब है and yes अब जब हमने मैच चालू किया था कास्ट करो उससे पहले सोचा था ना कि हर टीम के पास अगर 10 point भी होंगे तो शायद बेटर रहेगा तो वही फोकस है अभी तक का टॉप 5 के अंदर आ चुके हैं पॉइंट्स काफी अच्छे मिलेंगे बट आई एम टोटली सरप्राइज विद दिस गाय क्लच गॉड बिकॉज
काफी पहले यहाँ पे मॉर्टल और उनके एक टीममेट यहाँ पे नॉकआउट होकर गेम से बाहर चले गए थे रेगल्टॉस. उसके बाद क्लचगॉड ने यहाँ पे वाइपर को रिवाइव करा, तो वाइपर किल निकालता है, वाइपर रेगल्टॉस क्लचगॉड को रिवाइव करता है, क्लचगॉड किल निकाला है. दोनों का जो कोऑर्डिनेशन है इट्स सो गुड. यहाँ पे एलिमेंटिक्स के प्लेयर करके नॉकआउट हो जाए, एंटिटी के जोनाथन ने किल निकाली, उसके बाद इंस्टेंटली वहाँ पे ट्रेड नॉकआउट हो चुके हैं. उनको ध्यान रखना पड़ेगा, उनके बाद एक अच्छा रेजा जो होल्ड करके गेम में उनको आगे मदद कर सकता है. अकेली टीम जो टीम बची है वो चार प्लेयर के साथ, वो है टीम आईएनडी. अगर वो सिचुएशन को यूटिलाइज करते हैं दे कैन लिटिल टेक दिस गेम ऑफ. गेम की शुरुआत, फाइनल की शुरुआत ही थी डंके की चोट पे, मुझे नहीं लगता उसके बाद उनके कॉन्फिडेंस में कोई कमी आएगी और आज का पूरा दिन दे विल बी जस्ट नेलिंग इट. एंड यहाँ पे सोल के क्लचगॉड ने आइकॉनिक को नॉक किया DP28 से. क्लचगॉड बहुत ही लो ऑन हेल्थ है, उसको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, पर यहाँ पे कंटिन्यूस प्रे है नोवा को बाहर करने की कोशिश. वहाँ पे डार्क का कवर फायर एंड वाइपर नॉक होते हुए, आई थिंक वाइपर के पास हेल्थ नहीं बचा. एंड वहाँ पे ट्रांस अब एंटिटी के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हुए घातक नॉक जोनाथन फिनिश. एंड वहाँ पे एलिमेंट्रिक्स आईएनडी को अभी भी परेशान कर रही है. एलिमेंट्रिक्स वो एकलौती स्क्वाड थी जो आईएनडी के साथ वो हिल पे थे, एंड एलिमेंट्रिक्स अब मूव करते हुए आईएनडी थोड़ा बैकफुट में चले गए. वाइपर वहाँ पे नॉक था, क्लचगॉड मूव एंड स्प्रे का बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते हुए वहाँ पे मिस्टर ह्यूजी ने वाइपर को फिनिश ऑफ किया. क्लचगॉड अपने टीम के लिए कमान संभालते हुए ब्रॉल डार्क कर लिया, एंड बहुत ही प्यारा स्प्रे, एंड यहाँ पे फिनिश करके अपने टीम के लिए एक और किल सिक्योर करने की उसकी पूरी कोशिश रहेगी. एंड यहाँ पे 7 पॉइंट्स अपने टीम के लिए निकालते हुए और चौथे स्पॉट पे अपने टीम को ले जाते हुए सोल क्लचगॉड क्या बेहतरीन गेम प्ले. टीम आईएनडी क्या बेहतरीन टीम स्ट्रेट. ट्रस्ट मी इस वक्त अगर पोजीशन की बात करें आईएनडी ने अलग ही लेवल छुआ है, और जो किल्स डिपार्टमेंट में आज क्लचगॉड धुआं बना रहा है, ट्रस्ट मी जस्ट प्रूविंग एवरी वन रॉन्ग. कहाँ था, कौन था ये 3 महीने पहले था, पर आज ही इज मोस्ट हाइएस्ट रेटेड प्लेयर. क्या परफॉर्मेंस है, अल्टीमेट परफॉर्मेंस. अब जो फाइनल 14 बची हैं वो एलिमेंट्रिक्स, सोल, आईएनडी एंड ब्रॉलर्स. ब्रॉलर्स जिसने प्लेन में धमाका मचा रखा था, बट आज देखते हैं वो क्या करेंगे. एलिमेंट्रिक्स यहाँ पे 4th पोजिशन में नॉकआउट हुई 3 टीम, क्या हो पाएगा. टीम आईएनडी अभी भी 4 प्लेयर के साथ है, दे आर इन द स्ट्रॉन्गेस्ट पोजिशन. 2 प्लेयर ब्रॉलर्स के बचे हैं, 1 प्लेयर यहाँ पे सोल का बचा है, और ये दोनों तरफ फुल डैमेज देने की कोशिश कर रहे हैं. यहाँ पर थोड़ा सा डैमेज देते हैं ईटीजी को थोड़ा सा फॉल बैक करने में मजबूर कर रहे हैं. वहीं पर नोवा आइकॉनिक, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर हमारी कम्युनिटी के, उनको पता है इसी सिचुएशन में ऐसा क्या करना है. बट अगर अब एक ही चीज़ है जो आईएनडी को हरा सकती है वो है जोन, जहां पे उनको ओपन में रोटेट करना पड़ेगा, और अगर एक अच्छा स्प्रे कनेक्ट होता है देन ओनली यहां पे आईएनडी के लिए प्रॉब्लम होगा. पर जोन यहां पे आप देख सकते हो क्रेड भाई पूरा टीम आईएनडी को फेवर कर रही है, बाकी सारे टीम्स को अंदर मूव इन करना होगा. यहां पे इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये रहता है कि अगर क्लचगॉड एंड ब्रॉलर्स के दोनों प्लेयर को ले जाता है या ब्रॉलर्स ले जाता है, तो यहां पे अब सिर्फ पॉइंट्स पोजीशन पॉइंट्स की फर्क रहेगी, बिकॉज टीम आईएनडी विल डेफिनेटली डोमिनेट. चारों बंदे अलाइव है, एंड क्या शानदार गेम प्ले, यू नो फर्स्ट गेम कंपोजर के साथ खेल रहे हैं. 4 पॉइंट और 24 पॉइंट के लिए लोग अल्टीमेट टारगेट कर सकते हैं अगर यहां पे कुछ और फाइट हो जाती है. बट यस, दे हैव opportunity to take 27 points at the end. जो टीम को संभाल के रखा जा रहा है ना, जो ऑर्गेनिकली बाइंड करके रखा जा रहा है, कोई ओवर कमिट नहीं, कोई ओवर पीक नहीं, कोई एक्स्ट्रा करने की कोशिश नहीं करी, स्टिक टू द बेसिस. हमें बस यहाँ पे सर्वाइव करना है, किल निकालना है, चिकन डिनर निकालना है, हमें कोई चौथी चीज चाहिए ही नहीं, और वो ही आईएनडी करके दिखा रही है. बट धीरे धीरे रोटेशन होगी, यहाँ पे क्लचगॉड की मेन फोकस ये होगा कि पहले ब्रॉलर्स निकले तभी जाकर वो गेम रोटेट करें. बट ही इज टेकिंग टू मच डैमेज. ऐसा लग रहा है कि वो शायद हील वॉर को कंटेस्ट करना चाहते, बट वन मोर टेक. अफसोस, इट वॉज अ नाइस टाइप रूट. लाइक पिछले 15 मिनट में इस इंसान ने अपना बेस्ट गेम खेल के दिखाया है, नो डाउट, लाइक वेल डिजर्व, लाइक कुडोज, बहुत अच्छा गेम दिखाया. बट यहाँ पे वापस आते हैं, यहाँ पे आइकॉनिक नॉकआउट हो चुके हैं, एंड दिस इज द एंड आई बिलीव, बिकॉज दूसरे पे जो भी बचे हैं उसके बाद भी ज्यादा देर वो कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे. और इसी के साथ टीम आईएनडी गेटिंग द वेरी फर्स्ट चिकन डिनर ऑफ पीएमसीओ साउथ एशिया फाइनल्स. बहुत शानदार, बहुत अल्टीमेट, बहुत कंपोज गेम पे दिखाकर उन्होंने अपने लेगेसी को कंटिन्यू किया.